So hello YouTube family, welcome back to my vlog. Wow, welcome back to my vlog. इतने सालों में कुछ नहीं सीखी. Welcome back to my channel. और अभी I'm waiting for Deepak to come. क्योंकि अभी हमें काम से जाना था 11 बजे. लिटरली 12 बज रहे हैं 12 और 11 बजे हमें जाना था. उसकी वजह से हम लेट हो गए. मैंने सारा काम कर लिया, सब फिनिश हो गया, लेकिन उसकी वजह से आज हम लेट हो गए. बट कोई नहीं, वैसे वो कभी कभार ही करता है. कुछ 100 में से 5% होता है कि वो लेट होता है किसी काम से, किसी मतलब इम्पोर्टेंट काम से जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं. हमें जहाँ जाना है वो वेट वगैरह है भैया बहुत देर से, और अभी बस वो आ ही रहा है. बोले गाड़ी क्लीन करके आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा, तो उसको क्लीन करके ही आनी है कुछ भी हो जाए. मतलब कोई वेट कर रहा है वो कुछ नहीं, गाड़ी क्लीन कर. आज मौसम अच्छा हो रहा था जब तक मैं जहाँ यहाँ ब्लॉग बनाने बैठी थी कि आज बाहर बनाऊँगी ब्लॉग. आज मौसम अच्छा हो रहा है, जैसे मैं आई वैसे धूप होने लग गई. देखो धूप दिख रही है आपको, बट इतनी हार्श नहीं है इसके, पहले से बेटर है. मतलब मौसम अच्छा है जयपुर का आजकल. और मम्मी का रूम हो रहा है बिल्कुल ठंडा. गुड्डू था ना यहाँ, कहाँ गया? आए नहीं, गंदा बच्चा. फिलहाल खाती हूँ मैं वाटरमेलन, भूख लग गई यार. कुछ तो गाँव मम्मी तो घिया बनाई है. अभी मैं खा रही हूँ वाटरमेलन और ये खाई नहीं रहा, इसको खिला रही हूँ. मेरे को पसंद ही नहीं, मैं तुम नहीं खाता ये. एक तो पहले लेट हो गए, ऊपर से ऐसे हो नाटक. अभी आम खिला दूंगी तो वो तो खा लोगे? हाँ खिला दो. नहीं, वाटरमेलन खाओ, अच्छी चीज है, आम नुकसान करता है. हाँ. देखो दिखाओ मम्मी ने आज क्या लिया, इधर आओ आओ. क्या है ना, कांच के लिए है, बट मेरे को पता है ये ऐसा लग रहा है. और वो देखो बर्नी ऐसी थी मम्मी के पास पहले बहुत सारी, फिर मैंने तोड़ दी थी बचपन में. इनमें अचार जमाते हैं ना? हाँ, और इनमें मसाले अचार डालते हैं. और ये कपली हैं बहुत प्यारे प्यारे. ये कलर मुझे पसंद नहीं आता, बट उनके पास ये कलर पूरे दे 6-6 का ही सेट था, तो फिर ये कंपलसरी लेने पड़े. मान लो वही अंकल, वही अंकल ऑल ओवर इंडिया में पता है वो अंकल बोलते हैं मेरे को पूरा भारत पूछता है. मतलब उनकी आवाजें ऐसे बहुत क्यूट लगते हैं यार. मैं वैसे मिमिक नहीं कर रही, बट बहुत क्यूट लगते हैं. तो मैंने बोला अंकल, बोले मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिकते, मैं चलता रहता हूँ, मैं चलता रहता हूँ, मेरे को पूरा भारत पूछता है. इतना क्यूट है ना यार वो. परफेक्ट लाइटिंग नेक्स्ट वीडियो शूट करने की जगह. कहाँ जा रही हो? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. नूपुर एकदम परफेक्ट. देखिए शेयर करते कर रहे हैं, आई नहीं रही लाइट ही नहीं रही. दीपक ने बनाया है, दीपक ने बनाया है बॉर्नविटा वाला दूध. जी हाँ, उसको बहुत पसंद है, सारा बॉर्नविटा डाल देता है. ओ टूट जाएगी लाइट. मेरा बस चल रहा है एक बॉर्नविटा 30 रुपए पैकेट एक दूध. नहीं ये तो खैर ज्यादा हो गया, चार चार दूध के अंदर मैं खत्म कर दूँ बस. चार दूध की ग्लास के अंदर. आज आइस टी भी लेके आनी है. आइस टी भी लानी है यार उसमें. अरे तुम क्या बेवकूफ हो गया? इसमें पानी थोड़ा. सिर्फ तुम्हें दिखावा करना और कुछ नहीं करना. नहीं आलू बोला था ना टूट जाएगा. देखो कोई बात नहीं, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन तुम्हारे हाथ पर काबू में नहीं आ सकता. अरे यार बच्चे आए थे, मुझे पानी भर रही है, इनको डांट पिटेगी. दीपक कैसी लग रही है? आईब्रो भी करा गई हो? अरे अरे पतली पतली. मैं बोली थी उनको कि आंटी है ना प्लीज मोटी रखना, आंटी प्लीज यार. वो कर रही है ना आंटी मोटी रखना. हाँ हाँ मोटी रखूंगी. उसके बाद मैं देखी, मैं देखती यहाँ से छूट गए. पहले ही नहीं है यार, तो मैंने कितनी गंदी कर रहे हैं यार. मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाई, वैसे और पूरे देख के आई हूँ. कैसे लग रही है नूर, जैसे किसी ने रख दिया तुम्हारा आईब्रो यार. पहले ही मेरे यहाँ इतना गैप है, आईब्रो थिकनेस बहुत अच्छी है मेरे आईब्रो की. तो पता नहीं क्या ही कर दिया, बोले आपको पहले बोलना चाहिए था. अरे तो कितनी बार बोलू. मेरा पूरा फेस खराब हो गया. मुझे भी उंडवा गया. मुझे तो चलो ठीक है, फेस खराब हो गया पूरा.
हमारी मॉडल मॉडल नहीं रही। इसीलिए पता है क्या होता है नुपुर, हमेशा ना गाइस आपको भी पता होगा, आपके जो बाल बाल होते हैं, आपके जो हेयर कट वगैरह करवाते हो, आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हो, ये एक ही बंदा आपके सेट होता है पूरी लाइफ। वो किरण दीदी है, वो सिर्फ वो एक जने, सिर्फ एक ही सेट है। वो जब यहाँ थी ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो मानसरोवर शिफ्ट हो गई, मेरा वहाँ जाना ही नहीं होता यार। मानसरोवर में भी बहुत दूर, बहुत दूर शिफ्ट हुई है यार। मतलब वो जेन्युइनली उनका जो भी चीज करती है ना मेरे, वही उसके अलावा कोई सूट नहीं हुई है आज तक नहीं हुई। मेरे जो बाल है ना, मेरे बहुत अच्छे आटी खाए हुए बाल है, मतलब गोल गोल बहुत अच्छे कर्ली है मेरे, ना ऐसे गोल घूमने वाले बाल। मैं ये तुम्हारे घर पे जा आगे पीछे ले लेकर के बार बार देखो, हम लेते हैं ना इनसे। तो क्या है, मेरे बाल ना ऐसे गोल घूमे हुए हैं। अरे नहीं चाहिए। तो क्या है, हमारे बाल, मेरे बाल थोड़े ऐसे गोल घूमे हुए, तो हर किसी मतलब बार्बर से मेरे बाल नहीं होते सेट। एक हमारे इधर है मनीष भैया, सिर्फ वही है जो मेरे बालों को एकदम ढंग से समझते हैं और वही अच्छा कट करते हैं, और कोई नहीं कट करता। वो मैं तो तुम्हारी आईब्रो ही देख रही हूँ तुम्हारे फेस पे इतनी देर से, क्योंकि मेरी चले गई ना। नंबर यार दीपक, तुम पागल हो क्या, इतना कितना कर्जा करवाओगे मेरे ऊपर? तुम पागल हो क्या, क्या है उसमें दिखाओ। तुम्हारे लिए नहीं चाहिए दीपक, मैं इतना लड़ती हूँ, जितना लड़ती हूँ उतना गिफ्ट लेके आते हो, मतलब डेली लड़ाई करनी चाहिए। पता नहीं ये काम के पर्पज से डेली मेरे ऊपर चिल्लाता, लेकिन जब भी चिल्लाता डेली लड़ाई कर जाता दीपक, आज चलो कल भी लड़ाई करेंगे। है क्या तो बोलो, कुछ नहीं मेरा नहीं होगा। तुम्हारे लिए कॉमेडी का सुन, पलक है पलक ना मंगाया घर से। पूर्णिमा शर्मा, बसंती ला बसंती, हाँ आइसक्रीम लाई हो, मंगाई हुई आइसक्रीम, मैंने कहा था आइसक्रीम के लिए। तुम्हारा महंगा क्यों लेके आई है? 25 की आती है ये, किसने दिया तुम्हें 30 का? ये महंगा दिया है, कोई बात नहीं। आईब्रो मत देखो तुम, मैं काला काला लगाया पहले। गाइस नूपुर अपने आईब्रो भी लंबी कर लेती थी, पता है गाइस मुझे ना इसका चेहरा थोड़ा थोड़ा सा मरूनो जैसा लगता है, क्यों आपको नहीं लगता? देखो कहाँ खड़ा है, खड़े क्यों और दीपक खड़े क्यों? फोन में लगा रहा है बस, ठीक है फोन में। दीपक बोल रहा है कल जो लेडी आई थी उनकी सीसीटीवी निकलवाओ ना, और कैमरा ये दिख रहा है आपको, ये रहा, क्या मतलब है? लेकिन तो फिलहाल हम जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से, दीपक बोल रहा है मेकअप हटाओ, पर इतना टाइम नहीं मेरे पास मेकअप हटाने का। तो आज दिल को सुकून आया है यार दीपक, आया सुकून, क्या बात है। तो अब हम जा रहे हैं फिलहाल थोड़ी सी देर खुद को समय देने के लिए, क्यों विजय लक्ष्मी जाएंगे हम? तो फिलहाल दीपक तो बहुत टाइम पास कर चुका था, तो मेरे को काम करना था, इसलिए अब तो मेरे को समय चाहिए बाहर जाने का। मैं आज ही सोचा था, ये क्या सोचे थे? तो वो ला देंगे, वो वाला पंखा जो ऐसे खड़ा हो जाता है ना, वो वाला ला देंगे। वो तो पागल नहीं, अरे बाहर छोड़ोगे क्या? मैं कल को आप कहीं बार बार जाओ तो उसको उतारते फिर होगी क्या? वो रखने का आता है ना जो लंबा आता है, इस वाली दीवार पे लगा देंगे। हाँ ऊपर लगा देंगे ना, अटैच होता है, जैसे यहाँ पर वो पंखा आता है ना अटैच वाला। अरे माँ जानने पे जान वाले ही उठाते हैं, दिखेगा ही लोगों को वो पंखा ही उतारेंगे और कुछ नहीं। था विकास के बगल वाले घर में से नल चोरी हो सकते हैं, तो आपके घर में से पंखे चोरी नहीं हो सकते क्या? चलो आ जाओ देख लेंगे, पंखा लगाएंगे। मैंने यहाँ ये सोचा था, या तो इसके लिए कोई कूलर लेट हो रहे हैं, वो कूलर लगा, मेरे को एसी चाहिए, बाहर एसी लगा दो। हाँ बाहर, अब मैं भगवान से बात करता हूँ। मोटापन देख रहे हो आप इसका, कितना मोटा है, सही तो कराया तो था यार, बहुत देर हो गई इसका बस नहीं चलता है, तो कोई दिन माँ से बात करता रहे। तभी आजकल मम्मी मेरी साइड कम हो रही, मैं जो बोल रही हूँ बताशी खा रही है, मैं तो खाती रहूँगी कुछ नहीं पता, मैं बताशी खा रही हूँ, तुम खाती रहूँगा। तो अभी हमने ऑर्डर किया है मोमोज, दीपक यहाँ स्नैप बना रहा है। व्हाट इज दिस स्ट्रीक बॉय, स्ट्रीक लवर, अब झंझट लगने लग गई ना, जोर आता है स्ट्रीक बनाने में। गुड्डू दिख ही नहीं रहा, गुड्डू अच्छा गुड्डू यहाँ है, अरे दिख ही नहीं रहा इसमें, अच्छा चलो ठीक है तो फिर रात को बात करते हैं। गुड्डू गुड्डू कहाँ है? अरे गुड्डू ये लो मेरा बेटा, मेरा बुंचुली, मेरा बुंचुली बुंचुली, ये लो मेरा बाबू, ये सुनैल के साथ क्या पहन रखा है,
ये क्या बनवा रखा है गुड्डू? ऐसे बोल, फैमिली पता कैसे बोलता है? जप्पी करो फिर बनाऊंगी ये मैं आपके लिए, मंकी वाली जप्पी कर रहे हो नहीं कर रहे? फिर अक्की अक्की खाऊंगी, अकेले अकेले खाऊंगी गुड्डू, की अक्की खाऊंगी नहीं तो अच्छे से दोनों टांग, मंकी वाली कैसे होती है, मंकी वाली ऐसे ऐसे आवाजा आवाजा। मम्मी से वो ले लो एयरपोर्ट, खुशी गिरा देगा, इधर दे बेटू पहले ये दे दे बाबू, गिरा देगा तू। अपन जा रहे कोच बनाने, कोच खाओगे? जरूर तो खाने का होता है, जरूर खाने का होता है। सो फैमिली बस यही था इस ब्लॉग के अंदर, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शंभू।